हेलो वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, आई एम वेरी गुड ओवर यू ऑल आर ग्रेट। हाँ ठीक है, गाली वाली दे लो, बहुत जल्दी आ गए हम, क्या ही करें। वो एक्चुअली हुआ क्या कि हमारा पूरा ऊपर का चीज नीचे, नीचे का चीज ऊपर हो चुका, कुछ ऐसा सिचुएशन था। कॉमर्स पढ़ रहे थे भैया, कंप्यूटर्स पढ़ने लग गए, घर छोड़ दिए, बहुत दूर चले गए, जिसके कारण बहुत कुछ उतल पुतल हुआ और सब्जेक्ट सिलेबस पूरा चेंज था, जिसके कारण सारा फोकस उधर ही था, तो वीडियो वगैरह पे कुछ ध्यान था नहीं। और उसको जाके भी उसको पाउस किए हुए थे, क्योंकि उधर जान जाता फिर इधर का मिस हो जाता, और फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक था, इसके कारण सारा फोकस उधर देना पड़ा। तो फिलहाल अभी हमें अपनी दादी अम्मा के घर अपने छोटे वाले भाई के साथ, उसको भी यहाँ बाईपास रोड है खगड़िया का, बाईपास रोड बोल लो या क्या बोलते हैं इसको, बांध बोल लो या बाईपास रोड बोल लो, बात बराबर ही है। तो यहाँ पे अभी इसको बाइक चलाना सिखा रहे हैं, और वो दोनों नारियल का जो पेड़ है उसके बीच में, उसके पीछे है हमारी दादी अम्मा का घर। फिलहाल सेमेस्टर का एग्ज़ाम बहुत सही गया, 15 दिन की छुट्टी मिली थी, उसके बाद तो हम आ गए अपने घर दरभंगा, फिर दरभंगा से सीधा भागे खगड़िया अपनी दादी अम्मा से मिलने के लिए। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं दादी अम्मा इसीलिए, और बहुत दिन के बाद वीडियो आया, तो भैया पूरा देख लेना प्लीज़, ठीक है पूरा देख लेना प्लीज़, बहुत शॉर्ट में। और हाँ, वीडियो को दो पार्ट में हमने बांटा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लिप्स थे, तो वीडियो पार्ट वन और वीडियो पार्ट टू आने वाला है होम कमिंग वीडियो का, जो कि यही वाला वीडियो है। तो नए व्यूअर्स लाइक शेयर सब्सक्राइब मार दो, बहुत तगड़ा वीडियो, और धैर्य के साथ देखना, रुको जरा सबर करो वाले फील के साथ, तभी मज़ा आएगा। बहुत सारे ट्रिक एंड टिप्स हैं, सीख सकते हो हमारे ब्लॉग देख देख के। तो सही है, अब वीडियो देखो, हम इसको बाइक सिखाते हैं, चले रोहित आइए देखते हैं। भाई साहब हमारा ये वाला बैग रेडी हो चुका है, वो वाला, और वो भाई साहब 10 बज रहा है अब जाके उनका योगा चालू है, एक्सरसाइज सही है। और पीछे देखो मेरा पूरा मैच डप हो चुका है, अभी मिलते हैं इसको साफ करके। लो सब कुछ रेडी हो चुका है, बस ये बैग वो पहनना है, ये सब यहीं रहेगा, एक वो रहा बैग, और सही है। इंतज़ार हो रहा है उस टाइम का जिस टाइम हम यहाँ से निकल जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। अब वो बात अलग है कि फिर 15 दिन में यहीं आना है। ये मेरा रैक, ये सारे सामान है, ये हमारा यूनिफॉर्म, ये रहा, और ये रहा हमारा शू रैक, वो भी मत देखना, वो कहीं से हमने चेप लिया था इसीलिए वो इधर है हमारा बालकनी, ये रहा। बहुत सही जगह भाई, बहुत सही जगह, लेकिन लफड़े बहुत है। फाइव थर्टी। तो लंच करने के बाद अभी हम निकल गए थे थोड़ा बाहर की ताज़ी हवा लेने के लिए, और इसी के साथ तुम्हें देते हैं हॉस्टल का टूर। वो सामने मेरा एक स्विमिंग पूल, मतलब स्विमिंग पूल नहीं है, उसमें फिल्टर होता है सारा पानी, और उसके बाद फिर हम लोग नहाते वहाते जो भी काम होता है उसी से होता है। और ये है हॉस्टल का एंट्री पॉइंट, ये हॉस्टल का मेन गेट जहाँ से हम एंट्री लेते हैं। तो चलिए, तो हॉस्टल में इंटर होने के बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, जो फर्स्ट इंप्रेशन है, वो है अभी राइट साइड में एक कैंटीन। भाई साहब क्या तगड़ा, क्या टेस्टी चीज़ें मिलती हैं यहाँ खाने को, पैसे में भी खाना पड़ता है, वो बात अलग है। तो हॉस्टल में, हमारे हॉस्टल में है 2 मेस, एक जूनियर एक सीनियर, 4 से 5 लिफ्ट, और हर एक फ्लोर पर लगभग 1 या 2 स्टडी रूम है। इसी के साथ लिफ्ट ऊपर जाते हुए 1 2 3 बैंग। बहुत महीनों के बाद भैया व्लॉगिंग कर रहे थे हम, उसके बाद घर भी जाने की एक्साइटमेंट थी, और कम से कम 3 घंटा बचा हुआ था भाई ट्रेन के लिए, तो उसी चक्कर में हम थोड़ा सा हड़बड़ा आ गए, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, वैसा वाला कुछ हाल हुआ, और अब अपना रूम ही भूल गए। और भाई साहब बाद में उनको याद आया कि आगे है मेरा रूम, भाई भूल गए थे हम मेरा रूम कौन सा भूल गए थे। और अभी से हमारी ट्रेन अप्रॉक्स 3 घंटे के बाद थी, तो सोचा थोड़ा पावर नैप ले ले, थोड़ा अच्छे से एनर्जेटिक होके रिफ्रेश होके यहाँ से निकलेंगे। तो शाम के 4 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन अभी से 1.5 घंटे है, 1.5 घंटे में हमारी ट्रेन है, बस रेडी हो चुके हैं, अब कुछ काम है नहीं तो रेडी हो गए हैं बस भाई, कि लेट नहीं हो जाए, पिछले बार थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो बस सही है। अभी चलते हैं मैस, नाश्ता वास्ता कुछ करते हैं, पैक करवाते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। आ जा, उठा ले। तो भैया
बज चुके हैं 5:30 बजे की ट्रेन है हमारी। 5:30 बजे की ट्रेन थी लेकिन अब 6 बजे आएगी। लेट हो गया यार, मतलब ठीक है। तो यही हमारा हॉस्टल, बहुत ज़्यादा ही छोटा है, एकदम दम घुटता है इसमें। और आगे जैसे हमारा कॉलेज, आज कॉलेज भी घुमाते हैं तुम लोगों को। ये रहा हॉस्टल जाने का रास्ता, वो सामने वाला बिल्डिंग हमारा कॉलेज है, और ये रहा ग्राउंड यहाँ का, बहुत सही। उधर पेट्रोल पंप है, बसेस जहाँ खड़ी हैं। मिला हमारे बहुत अच्छे मित्र मुकुल भाई जी। व्लॉग बन रहा है बहुत दिन के बाद। कहाँ मिला कि नहीं? अबे नहीं मिला यार। अरे सारी रैक की चाबी उसमें भयंकर सब कुछ। वीडियो बना तो अपनी तो आराम से गए खेलने के लिए, रूम का चाबी फील्ड में ही खो गया। खत्म, टाटा बाय बाय, छोड़ना पड़ेगा अब। अब निकलते हैं, आप ताला तोड़ो। हाँ क्या नाश्ता? हाँ अरे कुछ भर ले जाता है मेरे पास, है क्या? ना नाश्ते ले लिया, अभी बिरयानी पैक करवा रहे हैं। चल भाई कॉलेज है हमारे साथ। नीतीश बीबी कर रहा है लवंडा, और हमारा अभी हेल्प करने के लिए आया, क्योंकि मेरा भाई पूरा बैग फुल हो चुका है, बहुत तगड़ा भारी हो चुका है। हेल्प करना बहुत जरूरी है। इसको बीप करना पड़ेगा, हमारा व्लॉग में ऐसा कुछ नहीं यूज होता है, ठीक है। चलते चलते आ चुके अपने कॉलेज। ये रहा मेरा कॉलेज, पूरा सुन सन्नाटा वीरान पड़ा है, मस्त वाला। अभी उधर सनसेट हो रहा है, जिस टाइम क्लासेस चलती हैं उस टाइम भाई यहाँ पे देखने वाला माहौल रहता है पूरा। भाई भज्जड़ भीड़ रहेगी यहाँ पे, भज्जड़ भाई। मैं सारे दोस्त मेरे जा चुके हैं जितने यहाँ पे थे, जितने लड़के जितनी लड़कियाँ थी MCA में सब जा चुके हैं। अभी मैं जा रहा हूँ, और मेरा एक दोस्त आ भी गया है, अब जाके मैं जा रहा हूँ। और भाई एक्साइटिंग बात तो ये है कि स्लीपर में मेरा बुकिंग हुआ था और कन्फर्म हो चुका था, लेकिन सीट नहीं आया था। अब हुआ ये है कि स्लीपर से सीधा अपग्रेड कर दिया गया है A3 में। ए हो जाता है कभी कभी, अपने आप को लकी फील करते हैं हम। जिंदगी हो तो ऐसी हो। ये रहा बैरियर, इसको क्रॉस करके जाना। अबे झुक के चला जा, उठाएगा इस पर से। अजियो मैनेजमेंट वाला लौंडा है, मैनेज करके चलता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, TMU में एक बहुत प्यारा सा एक मार्केट भी है, जहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको, खाने पीने नहाने धोने तक का सब कुछ। ये रहा नर्सिंग का कॉलेज, कॉलेज ऑफ नर्सिंग। और भी भाई सब कुछ बढ़िया है, अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट की तरफ ही, तो चलते हैं। ये रहा IT सेल, वो रहा घंटाघर, घंटाघर और ये IT सेल। इसमें सारा वाईफाई से रिलेटेड काम होता है, और ये सारी फैकल्टी की गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। यहाँ से मार्केट स्टार्ट होता है, अभी ज़्यादा कोई है नहीं यहाँ पे, सारे बच्चे जा चुके हैं घर अपने, तो यहाँ पे खाली खाली लग गया, ज़्यादा भीड़ नहीं है। वीराना हाँ, वही एक तरीके विंटर वेकेशन समझ लो, समर वेकेशन समझ लो, वही सीन है। यहाँ से सब कुछ मार्केट स्टार्ट है, अभी भी है थोड़े बहुत तो हैं। और सही है भाई, अंकल के यहाँ चलते हैं, एक पिचकू लेंगे। हेलो अंकल, क्या राज ये हमारे अंकल, और हमें लेना है यहाँ से। ये रहा हमारे लिए, कूद गया नीचे भाई। बहुत कुछ है यहाँ पे, बहुत कुछ है, सब पूरा स्टोर भरा हुआ है, इतना छोटा सा मॉल टाइप का है, क्या ले वही नहीं समझ में आ रहा। और हमारे पीछे पूरा मार्केट। अबे तू इधर आ गया था, हम खोज रहे तुमको कहाँ गया, कहाँ गया। सामान भी नहीं लिए भाई, हमको चेंज कराना था 500 का, चेंज ही नहीं था, सामान वापस रख के आ गए। रहा वो घंटाघर, और भाई उस साइड टैंक है, ठीक है, हम उधर से आए नहीं है तो दिखा नहीं। अरे पता है बहुत सारे दोस्त हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में, सुनने में आता है जितना मतलब स्ट्रिक्ट रूल वहाँ का है, और जितना जो भी सिचुएशन वहाँ का है, उससे भाई बहुत अच्छा TMU है, बहुत अच्छा, जैसे बाद में अभी सुनने में पता चलता है। ये है यहाँ का एडमिशन सेल, सारी महंगी महंगी गाड़ियाँ यहीं खड़ी होती हैं, उतना नहीं लेकिन हाँ सब कुछ यहीं। और यही है हमारा गेट, उधर से इन इधर से आउट, अभी हमें आउट करना है तो इस साइड से। जितना भी ऑनलाइन वगैरह सामान ऑर्डर होता है सब यहाँ मिलता है, सारा कुछ यहाँ। आपको अंदर बंदे दिख रहे होंगे, सारा यही मिल जाता है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है।
बाकी ये रहा यहाँ का हॉस्पिटल, समस्या सारा समस्या खत्म हो जाएगा क्योंकि आदमी भी खत्म हो जाता है। ठीक है, मजा आता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सही, हम लोग इसी में जाते हैं और भगवान जी की दया से अभी तक ऐसा सिचुएशन नहीं आया तो हॉस्पिटल जाए। और यहाँ पे हमें आउटिंग का भरना पड़ेगा, भाई कहाँ गया, ये रहा गेट पास 11, भूल जाते हैं ना, वीडियो बना रहा सब डालेगा इस पे ना। हाँ लो गया आंटी, थैंक यू, चलो भाई, हाँ हो गया, चलो। यहाँ पे बहुत सारे बसेस वगैरह हैं, सब कुछ है भाई, ऑटो ऑटो, ये रहा NH 12 है ना, अभी आगे बिरयानी लेना भाई रात के खाने के लिए, बड़ा दिमाग खराब हो जाता है रात में खाना, खाने पीने का बड़ा दिक्कत हो जाता है। ये रहा बिरयानी का शॉप, भैया वो शादी वाली बिरयानी है वो कर दो क्वार्टर, मन तो है ग्रेवी वाली का लेकिन नहीं, ग्रेवी पूरा लगता था, सही है क्वार्टर पैक करवाते हैं, सिंपल प्लेन वाला, चलते हैं अबे चल, बिरयानी डन, अब चलते हैं सीधा ऑर्डर लेते हैं, मिलते हैं, याद बात करते रहना। हाँ भाई चलो भैया, चल भाई, ये रहा हमारा कॉलेज, हम लोग जा रहे हैं वही इधर सट्टा, आ जाओ आ जाओ, ट्यून चेंज है मामा, मुरादाबाद स्टेशन है यहाँ से 13 किलोमीटर दूर और अभी 2-2.5 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं, अभी और थोड़ा सा और ऑटो में अभी वो करना पड़ेगा ट्रैवल, उसके बाद सीधा मुरादाबाद स्टेशन, वहाँ से फिर ट्रेन, फिर वहाँ से सीधा घर। भाई साहब पहुँच गए मुरादाबाद स्टेशन, अब देखते हैं क्या सीन है, और इस साइड देखो पूरा LED लाइट वगैरह जला के जगजगाया हुआ है, दिवाली मना रहा है यहाँ पे, जा रहे अभी इंक्वायरी में पता करने की ट्रेन कब तक आ रही है, अभी कुछ पता नहीं चला है, देखते हैं यही है इंक्वायरी, यही है क्या, जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी नहीं, ट्रेन नंबर बताइए 04654, एक नंबर पे आएगी जो गाड़ी आ रही है उसके बाद, ओके ओके थैंक यू। भाई एक्यूरेट टाइम पे है, 6 बजे का बताया गया था, 6 बजे हम अभी स्टेशन पे हैं, भाई साहब तो अच्छा हुआ 10 मिनट ट्रेन लेट है, 10 मिनट और लेट है नहीं तो भाई साहब बहुत बहुत बड़ा मुसीबत में पड़ जाता यार। और भाई साहब होपिंग ये ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा, इसको फाइनली कल हमने बाइक सिखा दिया, अब मस्त अब चला रहा है आराम से, तो होपिंग ये ब्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद आया तो पता नहीं क्या करना है, लाइक मार दो, अबे धीरे कर ले, लाइक मारो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं सेकेंड पार्ट में होम कमिंग वीडियो का, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय। बहुत फन है, बहुत कुछ है इसमें, मम्मी बचा लिया, यही भाई यही है यहाँ पे, उतनी देर से भाई इतना डिस्टर्ब हुए गाय वाई के कारण।